हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल शिवा लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडिशा की टॉप मेडिकल कॉलेज के बारे में और बताएंगे कि इस कॉलेजों में कितनी सीटें हैं, एस्टेब्लिश ईयर क्या है और फर्स्ट ईयर की फ़ीस क्या है और पिछले साल कितने कट ऑफ पर एडमिशन हुआ था और इस साल के एक्सेप्टेंस कट ऑफ क्या है। सबसे पहले अगर बात करें, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईटेक मेडिकल कॉलेज है एंड हॉस्पिटल है जो राउरकेला में स्थित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नीट से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो राउरकेला में स्थित है। इस कॉलेज में टोटल एमबीबीएस की सीट है वो 100 है और एस्टेब्लिश ईयर की बात करें तो 2012 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था और फर्स्ट ईयर की फ़ीस की बात करें तो 5,50,000 की इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। अगर पिछले साल के कट ऑफ की बात करें तो अनरिजल्ट कैटेगरी है उनमें पिछले साल 565 पर एडमिशन हुआ था। जनरल कार्ड की बात करो तो 562 पर हुआ था। एससी कैटेगरी में 464 पर हुआ था और एसटी कैटेगरी की बात करो तो 330 पर हुआ था। अब बात करते हैं इस कॉलेज में इस साल क्या एक्सेप्टेंस कट ऑफ रहेगा, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अनरिजर्व कैटेगरी उनमें 505 रहेगा एक्सेप्टेंस कट ऑफ। जनरल कार्ड की बात करें तो 556 रहेगा एक्सेप्टेंस कट ऑफ। एससी कैटेगरी में 450 रहेगा और एसटी कैटेगरी में 315 रहेगा। आगे बात करते हैं शाहिद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कोरापुत में स्थित है। ओडिशा की सेकंड नंबर की काफ़ी अच्छी मेडिकल कॉलेज है। इस कॉलेज में एमबीबीएस की सीट है वो 125 है। एस्टेब्लिश ईयर की बात करें तो 2004 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था और फर्स्ट ईयर की फ़ीस की बात करें तो 30,000 जो है इस कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। अगर पिछले साल के कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व जो कैटेगरी है उनमें 595 पर एडमिशन हुआ था। जनरल कार्ड की बात करें तो 583 पर हुआ था। एससी कैटेगरी में 515 पर हुआ था और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 365 पर हुआ था। अब बात करते हैं इस साल क्या एक्सेप्टेंस कट ऑफ रहेगा इस कॉलेज में, तो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें जो एक्सेप्टेंस कट ऑफ है वो है 585 है। जनरल कार्ड की बात करें तो 570 है। एसटी कैटेगरी में 560 है और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 353 है। नेक्स्ट बात करते हैं भीमा भाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो बालंगीर में स्थित है। इस कॉलेज में टोटल एमबीबीएस की सीट है वो 100 है और 2018 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट ईयर की फ़ीस की बात करें तो 27,273 जो है फर्स्ट ईयर की फ़ीस है और पिछले साल के कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें 597 पर एडमिशन हुआ था पिछले साल और जनरल कार्ड की बात करें तो 588 पर हुआ था। एससी कैटेगरी में 512 पर हुआ था और एसटी कैटेगरी में 378 पर हुआ था। अब बात करते हैं इस कॉलेज में इस साल क्या एक्सेप्टेंस कट ऑफ रहेगा, तो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें 583 एक्सेप्टेंस कट ऑफ रहेगा। जनरल कार्ड की बात करें तो 518 रहेगा। एससी कैटेगरी में 510 रहेगा और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 365 पर रहेगा एक्सेप्टेंस कट ऑफ। पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो बरीपाड़ा में स्थित है। इस कॉलेज में टोटल एमबीबीएस की सीट है 125 है और 2017 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था और फर्स्ट ईयर की फ़ीस जो है वो 30,000 है। ये कॉलेज में जो पिछले साल के कट ऑफ की बात करें तो 600 अनरिजर्व कैटेगरी पर एडमिशन हुआ था 600 कट ऑफ पर। जनरल कार्ड की बात करें तो 585 पर हुआ था। एससी कैटेगरी में 522 पर हुआ था और एसटी कैटेगरी में 374 पर हुआ था। अब बात करें इस साल क्या एक्सेप्टेंस कट ऑफ रहेगा, तो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें 595 जो है एक्सेप्टेंस कट ऑफ रहेगा। जनरल कार्ड की बात करें तो 582 एक्सेप्टेंस कट ऑफ रहेगी। एससी कैटेगरी में 515 रहेगी और एसटी कैटेगरी में 368 रहेगी एक्सेप्टेंस कट ऑफ। नेक्स्ट कॉलेज है फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो बालासोर में स्थित है। इस कॉलेज में टोटल एमबीबीएस की जो सीट है वो 100 है। 2018 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था और 30,000 फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। पिछले साल के कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें 592 पर एडमिशन हुआ था। जनरल कार्ड में 590 पर हुआ था। एससी कैटेगरी में 510 पर हुआ था और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 362 पर एडमिशन हुआ था।
इस साल के एक्सेप्टेंस कट ऑफ की बात करें तो अनरे जो कैटेगरी है उनमें 589 जो है एक्सेप्टेंस कट ऑफ रहेगी। जनरल कार्ड की बात करें तो 584 एक्सेप्टेंस कट ऑफ रहेगी। एससी कैटेगरी की 500 रहेगी और एसटी कैटेगरी की 400 एक्सेप्टेंस कट ऑफ रहेगी। आगे वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कॉलेज जो ओडिशा की काफ़ी अच्छी मेडिकल कॉलेज है, इस कॉलेज में टोटल एमबीबीएस की सीट है वो है 200 सीट है। ये कॉलेज 1959 पर जो है एस्टेब्लिश हुआ था और फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो 30,000 है। पिछले साल के कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें 607 पर एडमिशन हुआ था। जनरल कार्ड की बात करें तो 615 पर हुआ था। एससी कैटेगरी की बात करें तो 535 पर हुआ था और एसटी कैटेगरी में 395 पर हुआ था। इस साल के कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें 610 एक्सेप्टेंस कट ऑफ रहेगी। जनरल कार्ड में 598 रहेगी, एससी कैटेगरी में 525 रहेगी और एसटी कैटेगरी में 387 एक्सेप्टेंस कट ऑफ रहेगी। महाराजा कृष्णा चंद्र गजापति मेडिकल कॉलेज जो ब्रह्मपुर में स्थित है, इस कॉलेज में टोटल एमबीबीएस की सीट है वो 250 है और 1962 पर ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था और फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो 30,000 है। पिछले साल के कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें 615 पर एडमिशन हुआ था। जनरल कार्ड की बात करें तो 607 पर हुआ था एडमिशन और एससी कैटेगरी में 552 पर हुआ था और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 395 पर एडमिशन हुआ था। इस साल के कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें 610 एक्सेप्टेंस कट ऑफ है। जनरल कार्ड में 600 है, एससी कैटेगरी में 545 है एक्सेप्टेंस कट ऑफ और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 394 जो है एक्सेप्टेंस कट ऑफ रहेगी। श्री रामाचंद्र भांजा मेडिकल कॉलेज जो कुत्तक में स्थित है, ये कॉलेज में टोटल एमबीबीएस की सीट है और 250 है और एस्टेब्लिश ईयर की बात करें तो 1944 में जो है एस्टेब्लिश हुआ था और 30,000 जो है वो फर्स्ट ईयर की फीस है। पिछले साल के कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व जो कैटेगरी है उनमें 650 पर हुआ था एडमिशन। जनरल कार्ड की बात करें तो 625 पर हुआ था, एससी कैटेगरी में 570 पर हुआ था, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 445 पर एडमिशन हुआ था पिछले साल के इतने कट ऑफ पर। इस साल के कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें जो एक्सेप्टेंस कट ऑफ है 645 है। जनरल कार्ड की बात करें तो 610 है, एससी कैटेगरी में 560 है और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 440 है। तो दोस्तों ये जानकारी थी ओडिशा मेडिकल कॉलेज जो ओडिशा की टॉप मेडिकल कॉलेज है उनके बारे में हमने इस वीडियो में बताया कि इस कॉलेजों में सीटें क्या है एमबीबीएस की, एस्टेब्लिश ईयर क्या है और फर्स्ट ईयर की फीस क्या रहेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।